और ये गुलदस्ता उनको भेंट करेंगे पाटिल साहब। आंटी सामने आ जाए, प्रखर राजकुमार हमारे बीच में है और उनके द्वारा हम आंटी का स्वागत करेंगे और पर धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उनको दीर्घायु से तृप्त किया और उनकी गवाही आई आंटी इधर। हमारे आंसुओं को कुप्पी में रख छोड़ता है,
कुप्पी में रख छोड़ता हमारे आंसुओं को, और पूरी बाइबल के आंसुओं के संदर्भ को उन्होंने बताया। मेरे पास नोट्स है, वो नोट करती रही और फिर उनको आखिरी में कहते, मैडम आपने जो दिया है वो मेरे लिए बहुत कीमती है, सोने से भी कीमती। मैं इसी सर्वे में देखो ना, मैं चूड़ी पहनी हूँ, दिल्ली से ला है चूड़ी, सोने की नहीं है, सुंदर है, पॉलिश है, वो पुरानी काली वाली मेरी सोने की है, पर तो फिर भी मैं खुश हूँ। पहली बार इन्होंने जीवन में मेरे लिए किया, ईश्वर को मैं धन्यवाद धन्यवाद। देख रहे हो ना कान का, मैं कभी नहीं ऐसा पहनती, पर मैं उनको खुश करने के लिए पहन ली, आप लोगों को बताने के लिए पहन ली कि इंसान गलती करता है, परंतु हमको क्षमा करना है और उस व्यक्ति को, गलती करने वाले को दोबारा उसको नहीं करना है। यही आशीर्वाद मैं आप सबको देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आंटी, इतना सुंदर संदेश के लिए। एक संदेश जो है, इन बातों में संदेश छिपा है कि प्रभु तो हमें क्षमा करता है, लेकिन हम दोबारा वही गलतियां ना करें। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में धोखे से या गलत जाने जाने में गलती हो गई, तो दोबारा हम उन गलतियों को ना करें। ये संदेश है, बाइबिल हमें सिखाती है इस प्रकार। तो इन बातों का याद रखें। हम आंटी का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में हमारे लिए चर्च के लिए मतलब बहुत कीमती हैं वो, और बहुत उपयोगी हैं। हर समय बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, गलती हमारी हो जाती है तो हमें डांट लगाना, अद्भुत है, अद्भुत। निश्चित ही वो इस बात को ना समझे ना जाने, मगर ये मैं जानता हूँ कि बहुत अद्भुत है, क्योंकि छोटा मारने वाला भी तो एक आध होना चाहिए, तब हम लोग सच में उन बातों को याद करें कहाँ हम गलती किए हैं और हमको सुधर के आगे बढ़ना चाहिए। वो इतनी बड़ी पोस्ट में रही हैं, राष्ट्रपति से वार्डेड हैं और भिले की एजुकेशन ऑफिसर रही, बड़ी ऑफिसर रही हैं, लेकिन हमारे छोटे से झुंड में वो हमेशा कुछ ना कुछ संदेश लेके आती हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।